अशोक योगी जी के पास बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की गिर गाय है, अगर किसको लेना है तो अशोक जी को कांटेक्ट करिए। किरण गला गली जी, प्रियंका विभूते जी, अरविंद सावनके जी, शशिकांत ढोले जी, अशोक खैरनार जी, रमेश वाघोली जी, बिरुदेव कुटे जी, चंद्रशेखर जी, संतोष बंसोड़े जी, गणेश जी, महेश बनकर जी, गणेश सुले जी, राजेंद्र लेंगारे जी, सचिन गायकवाड़ जी, राजेंद्र गौड़ी जी, महेश जी, मुकेश देवरे जी, नहीं आप नहीं डाल सकते अभी, श्री राम मेनी जी, दीपक श्री राम मेनी जी, दीपक देवकाते जी, अभी आपका नाम बहुत ही अलग अलग है पे इसलिए मैं नाम नहीं ले पाता आपका, गुड इवनिंग सर लिखा है आपने, वैभव गोसावी जी, सुरेश टेंगले जी, बढ़िया आप, मैं तो बढ़िया हूँ, रफीक जी, राजेश कुमार जी, यस राजेश कुमार जी, कॉटन केक मतलब आपका जो गाय के लिए हम खिलाते हैं वही सरकी पेंट जिसे बोलते हैं, पापड़ी पेंट भी उसे बोलते हैं, लेकिन पापड़ी कभी कभी इसको भी बोलते हैं जो ग्राउंडनट का होता है, मतलब शेंगदाने, शेंगदाने पेंट नहीं टाके चापल कॉटन केक गैची शेंगदाना महाग रास्ते। तेजस वपड़े जी, रमेश धानू धन्नू जी, प्रकाश पगार जी, संदीप पवार जी, सचिन दरंदले जी, केशाराम जज जी, मुकेश देवरे जी, मुकेश जी अभी अगर आप कॉटन केक का ये करेंगे, सॉरी पोल्ट्री खाद का अगर इस्तेमाल करोगे आपको साइज तो अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर ज्यादा बारिश होती है ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो आपके यहाँ पे जिसे हम बसका बोलते हैं, जिसको दाग धब्बे बोलते हैं, वो ज्यादा आएंगे, ठीक है ना। यह सचिन जी मैं बिल्कुल केयर करता हूँ, शुभम नलवड़े जी, अमित तलेकर जी, संदीप पवार जी मेरी तबियत कम हुई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे को ऐसे हूँ मैं, राहुल गावड़े जी, सौरभ जी बिल्कुल बढ़िया हूँ मैं, ज्ञानेश्वर जी, अमित जी, स्वागत भाई जी, संतोष जी, किशोर जी, तुषार जाधव जी, नीलेश जी, अमित जी, प्रदीप जी, चलो अभी सबके नाम अगर लेते बैठूंगा मैं तो बहुत सारे नाम लेना पड़ेगा, तो जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो माफ कर देना मुझे, और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक के लिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम हुआ है एक घंटे का अपना। हत्ती हिंदी बोलते हैं, कन्नड़ में हत्ती हिंदी बोलते हैं, कॉटन केक को कन्नड़ में हत्ती हिंदी बोलते हैं, धन्यवाद जी। राजू काले जी, राम राम, यस संदीप जी इस महीने में भी मराठी में है, सौरभ जी वो एक काम करना पड़ेगा, जो माइक्रो मिक्स जो हम बनाते हैं उसके लिए मुझे सबको जो भी अपने ऑनलाइन के पार्टिसिपेंट है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग जिन्होंने लिया उनको सबको मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपका ये टॉपिक अगर आपको रिपीट करना है तो आप, और जिनके बैच में वो नहीं लिया था मैंने उनके लिए अभी अगर लूंगा तो वो बोलेंगे कि हमें पता नहीं है, और आप सबको पता है कि ये वेबिनार हम रखते हैं या नहीं रखते ये कोई पता नहीं है। यस एसओपी दे दीजिए आप, आपका नाम क्या है, आपने जो पूछा अभी एसओपी दिया तो क्या चलेगा, क्या आपने इतना बड़ा नाम डाला हुआ है कि मुझे लेने के लिए नहीं आता है, इसीलिए आपका नाम लिखिए प्लीज।
मुकेश देवले जी वापस ट्रेनिंग में आना चाहते हैं और सबको बोल रहे हैं कि वो भी ट्रेनिंग करें। ओके चलिए किशोर जी आपको अनम्यूट करना है, ऐसा आप बोल रहे हो, पता नहीं क्यों। यस एनओपी भी चलेगा वैभव जी। किशोर जी मैंने आपको अनम्यूट किया है सर। हाँ जी बोलिए। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। मैं अभी बगीचे में घूम रहा हूँ शाम के वक्त, काम खत्म करके अभी रेस्ट थोड़ा कर रहा था, तो आपका वीडियो मैंने अपलोड किया। ओके आप मुझे वीडियो चेक कर सकते हो? आप तो आपकी अंधेरा नहीं हुआ है क्या अभी तक? मैं अभी नहीं हुआ सर। करिए चालू करिए वीडियो आपका, आप नहीं वीडियो में वेबिनार है, आपको पैनलिस्ट करना पड़ेगा, नहीं होगा अभी। ओके नहीं होगा सर। आपका पिछले दिन से मैंने ट्रेनिंग किया, बहुत अच्छा लगा और उसके जो जो गलतियां थी अब सुधार रहा हूँ। ओके लेकिन मुझे लगता है कि इस पौधे में तो पूरी गलतियां नहीं सुधार सकता मैं, बराबर नहीं सुधार सकते। इसीलिए मैं ट्रेनिंग में हमेशा बोलता हूँ कि ट्रेनिंग आप प्लांटेशन से पहले करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। 2017 में मैंने प्लांटेशन किया है बराबर, लेकिन बहुत कुछ मिल सीखने को मिल रहा है। और अगर आप जो सिखाते हैं उस तरह से प्लांटेशन करते तो मुझे नहीं लगता कि किसानों को कोई अन्ना की खेती में दिक्कत होगी। बिल्कुल बराबर है, वही है। कोई भी किसानी अगर आपको करनी है, कोई भी मतलब अगर आपको प्याज भी लगाना है, ज्वार भी करना है, बाजरा भी करना है, कोई भी करना है, तो उसके पीछे कोई तो भी साइंस होता है। बिल्कुल सर। और वो जो साइंस है वो साइंस लेके अगर आप करोगे, अभी मैं आपको बोल रहा हूं इस बार जो मेरा सोयाबीन मैं करूंगा तो मैंने यील्ड 18 क्विंटल पर एकड़ का लेके काम करने वाला हूं। लास्ट टाइम मैंने जब प्याज किया था तो मैंने 20 टन्स पर एकड़ का एक्सपेक्ट करके उसको काम किया था, तो मैं 19-19.5 तक पहुंच गया। और जो भी मेरे गांव में कोई भी 10-11 के ऊपर नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर लोग बोल रहे थे कि क्लाइमेटिक कंडीशन प्याज के लिए अच्छी नहीं थी। तो क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छी नहीं है और अगर आप बोल रहे हो कि मेरा प्याज क्लाइमेट के वजह से डिजीज या पेस्ट से चला गया, तो फिर आपने जो स्प्रे किए थे वो क्या सिर्फ लोगों को बड़ा करने के लिए किए थे क्या? क्लाइमेट अगर खराब था तो आपको ये पता होना चाहिए था कि कब थ्रिप्स आएगा, कब ब्लाइट आएगा, उसके ऊपर करपा आएगा, तो आपने पहले अगर स्प्रे करते तो आपका यील्ड नहीं खराब होता था, कम नहीं होता था, क्वालिटी आपकी साइज कम नहीं रहती थी, नहीं नहीं बहुत ज्यादा बारिश थी, बहुत ज्यादा, कितने दिन हम ये बोलेंगे। इसीलिए आज का जो अपना 8वां सेशन है तो इसमें मैं हर एक सेशन में आपको क्या बोल रहा हूँ कि डिजीज तो आएगा, उसका क्लाइमेट अगर बनेगा तो आएगा, आपने कितना भी पौधा अगर हेल्दी रखा तो कम आएगा लेकिन आएगा, तो आपको उसको कैसे कंट्रोल करना है। जो ये मराठी तला विड़ा उचलना म्हणतो, तो हम जितने भी फार्मर है ये सब साथ में आके क्या कर रहे हैं कि जो भी मैं बोलूंगा या मेरे खेत में जो भी मैं इंप्लीमेंट करता हूँ वही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करिए ये होगा। और हर हफ्ते में ये जब रिवीजन हो जाता है तो कोई अगर लास्ट वीक में नहीं है तो ये वीक में आएगा, इस प्रकार से होना चाहिए। और रही बात ट्रेनिंग की अनार की, तो मैं सिर्फ अनार के बारे में नहीं मैं बोलता हूँ, हर एक क्रॉप का बिना ट्रेनिंग किसान ने खेती नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ट्रेनिंग आप किससे लेते हो यह सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर वो सिर्फ बोलने वाला है, उसके पास अनार की खेती नहीं है, दो चार बुक पढ़ लिए, दो चार ट्रेनिंग कर लिए, कहा तो भी किसी ने कुछ तो भी किया, वो सुन के इधर देना चालू कर दिया। जैसे कि सबसे पहले मैंने डबल लैटरल का कंसेप्ट लाया था, आप लोगों को पता होगा। तो जब मैंने डबल लैटरल के ऊपर प्लांटेशन करी है, लाइट सॉइल अगर है तो डबल लैटरल इनलाइन डाली है, पानी ज्यादा नहीं होगा, हेल्दी पौधा रहेगा और आपको बैक्टीरियल ब्लाइट और विल्ट भी कंट्रोल होगा।
उस टाइम साइंटिस्ट भी मेरे अगेंस्ट बात कर रहे थे कि ये ड्रिप वाली जो इसका सब मेरे पास है, ड्रिप वाली जो कंपनी है ये कंपनी इसको पैसे देती, इसीलिए डबल लेटरल, हमने इतने दिनों से सिंगल लेटरल के ऊपर अनार किया है, इसीलिए मैं ट्रेनिंग में आपको जो 95 से पहले के अनार की खेती और 95 के बाद के अनार की खेती का जो एग्जांपल देता हूं, जब फ्लड इरिगेशन के ऊपर अनार था तब आपका अनार मरता नहीं था, आपके अनार के ऊपर एक एक क्विंटल अनार आप हार्वेस्ट करते थे और आपका अनार का पौधा 40-40 साल रहता था, और जब दो जगह पे पानी सिर्फ दे रहे थे उसका कुपोषण हुआ और वो 10 साल में आपका अनार उखाड़ने की परिस्थिति आ गई। जब मैंने बोला कि अनार की खेती जहां पे होती है जहां पे सॉइल की डेप्थ नहीं होती, आधे फीट में एक फीट में कहां तक उसके जड़े जाएंगे और कैसे उसको भोजन मिलेगा, तो मैंने जो बेड बनाने का बोला 6 फीट का और 1.5 फीट का और फिर आपका 1 फीट का मिट्टी, ऐसे 3.5 फीट उसको अगर मिट्टी मिलेगी तो अनार का पौधा हेल्दी रहेगा। सभी लोग बोले थे कि सब अनार गिर जाएगा। जब मैंने सबसे पहले 2014 में राजस्थान में प्लांटेशन किया, 2007 में मेरे घर पे प्लांटेशन किया था, 2014 में जब सबसे पहले जयकुमार जी का प्लांटेशन मैंने बेड़ के ऊपर किया, सब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, सब लोग बोले राजस्थान की हवा इसे पता नहीं है, राजस्थान में कितनी लू चलती है इसको पता नहीं है, ये लू में तो पूरा का पूरा पौधा गिर जाएगा। उनको मैं अभी आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि अभी 2014 से अभी 7 साल हुए हैं और 5 बार एक भी हार्वेस्ट करके एक भी पौधा गिरा नहीं, झुका भी नहीं है। अगर आप उसका लैटरल धीरे धीरे बाजू में करोगे तो पूरा का पूरा उसका फाउंडेशन जमीन के अंदर तैयार होता है और वो पौधा कितनी भी आंधी आने दीजिए, आपका जो गड्ढे में जो आप बोलते थे ना प्लांटेशन करिए, वो गड्ढे में ही उसके जड़े रहती थी, वहां पे झुकने का डर था, यहाँ पे उसने आपको 6x3.5 इतना बड़ा जगह आपने दिया उसको, तो लंबी उसकी जड़े गई और वो फाउंडेशन बन गया। जब मैंने बोला कि सिंगल लेटरल के सिंगल स्टेम का रखिए पौधा, खुद की कैनोपी मैनेज करता है, सब लोग बोले कि अगर एक ब्रांच मर जाती है, एक ब्रांच अगर मरेगी तो दूसरे 3 ब्रांचेस रहेगा, 4-4 स्टेम रखी है। सब लोग गलती करते थे, वाटर शूट के स्टेम बनाते थे और उनकी हालत क्या है, और जिन्होंने ट्रेनिंग लिया 2011 में मैंने सबसे पहले ओपन बोलना चालू कर दिया, 2007 से मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि ऐसे करिए, मैं कर रहा हूँ, और जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो उसके बाद जब मैं 2011 में बात करना चालू कर दिया, सब लोगों ने मुझे गाली दिया, सब लोगों ने, लेकिन मुझे खुशी की बात यह है कि आज सभी लोग जो मेरे अगेंस्ट बोल रहे थे वो भी लोग आज वही रिकमेंडेशन कर रहे हैं, जो कि इजरायली भी मेरे खेत में आके गए, वो बोले कि आप बराबर कर रहे हो। डॉक्टर एचपी सिंह साहब डीडीजी हॉर्टिकल्चर वो थे, वो भी मेरे खेत में आके 3 बार मेरे खेत में आके गए हैं, वो बोले कि हॉर्टिकल्चर का प्लांटेशन ऐसे होना चाहिए। तो इतने बड़े बड़े लोगों ने जब अप्रिशिएट किया तब मुझे पता चला कि चलिए याद करेंगे, और आज ऑल ओवर इंडिया में जब भी ट्रैवल करता हूं डबल लैटरल मुझे दिखती है, बेड के ऊपर प्लांटेशन दिखता है, सिंगल स्टेम जो ओरिजिनल स्टेम होता है उसी के प्लांट जब दिखते हैं तब जाके इतना जबरदस्त वहीं पे कैनोपी बनती है, कोई स्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं, कुछ सपोर्ट देने की जरूरत नहीं, ऐसे पौधे और पौधा खुला होता है, सनलाइट अंदर जाता है। ट्रेनिंग कूनिंग सबसे पहले किसने बताया, टॉपिंग करना वाटर शूट निकालना सबसे पहले किसने बनाया, डॉक्टर ओनू ने बताया, और ओनू से मैंने सीख के अपने हर एक किसान को दे दिया, ये फॉर्म के उन्होंने काम किया था उन्हीं से मैंने सीखा, और उसमें मुझे जय इरिगेशन ने मदद किया था जब टिश्यू कल्चर के प्लांट्स आए थे तब। तो ये सब जब दिया और इसके रिजल्ट आज जो भी 7-8-10 साल के जो भी गार्डन आज बन चुके हैं, तो लोगों को मजबूर होना पड़ा और लोग आज रिकमेंड कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी। ये इस प्रकार से जब ट्रेनिंग लेके किसानी करेंगे तो गलती नहीं होगी, और कुछ गलतियां आप सुधार सकते हो, कुछ गलतियां किशोर जी आप सुधार नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने 4-5-6-7 स्टेम रखे हुए इतने बड़ी बड़ी डंडी तो अभी तो काट नहीं सकते, और काटोगे भी तो वहां से बहुत सारे वाटर शूट आते रहेंगे। और जब भी मैंने मेरे खेत में ट्रेनिंग चालू कर दिया, मैंने मेरे खेत में पूरा का पूरा प्लांटेशन किया, और लोग बोल रहे थे आपके खेत में अगर अच्छा नहीं यील्ड आए तो लोग क्या बोलेंगे,
मैं बोला कि जो मेरे पास है मैं दे रहा हूं। लोग आ रहे थे, हर महीने की एक बैच फुल हो रही थी, लेकिन कोविड की वजह से मैं आगे ट्रेनिंग नहीं ले पाया। लास्ट ट्रेनिंग फरवरी में हुआ था और मार्च में लॉकडाउन हुआ था। लास्ट फरवरी में दुबई से एक पार्टिसिपेंट डायरेक्ट दुबई टू हैदराबाद, हैदराबाद टू शिरडी एयरपोर्ट पे आया और वो आके ट्रेनिंग करके गया। तब मुझे कोविड के बारे में डर नहीं लग रहा था। मेरे साथ में 3 दिन उन्होंने मेरे खेत में दिखाया और बाद में जब मैंने उनके साथ ऐसी बात हो रही थी वो बोले कि मैं पॉजिटिव था, हमें कुछ नहीं हुआ बाकी लोगों को, लेकिन मैंने ट्रेनिंग बंद कर दिया और ऑनलाइन ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और अभी ऑनलाइन में भी इतना मतलब आप लोग कर रहे हैं, आप लोग ही बाकी लोगों को बोल रहे हैं, इसी के कारण वहीं पे पानी आप देते हो, तो आप उसको कम ज्यादा करोगे तो आपको पौधों में भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब रुख बाहर में बारिश होती है तो पूरी की पूरी मिट्टी गीली हो जाती है और सब दूर रूट्स होते हैं, जड़े होती है, तो ये पूरा का पूरा पानी लेगा तो आपके यहाँ पे शूट ज्यादा आएंगे। अभी जिनके यहाँ पे स्टोरेज अच्छा है, जिन्होंने बढ़िया स्टोरेज स्टेज में काम किया है, बेसल डोज बढ़िया डाला हुआ है, और कभी भी ये गलती मत करना कि मुर्ग बाहर में डोज डाल के तुरंत पानी नहीं देना। कभी भी आपके यहाँ पे शूट ज्यादा आएंगे। मुर्ग बाहर में आपको पहले 5 महीने डोज देना है हार्वेस्टिंग के बाद लास्ट ईयर का, और फिर उसको 4 महीने पानी देना है, और फिर 1 महीने का स्ट्रेस और 40-50% से ज्यादा आपके यहाँ पे डिपोलेशन नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ पे बारिश भी अगर आएगी तो फीमेल फ्लावर आएगा। मैं जो हमेशा बोलता हूँ फीमेल फ्लावर नहीं आना, ये अनार के अंदर प्रॉब्लम है ही नहीं है। प्रॉब्लम है बारिश अगर ज्यादा आती है तो ड्रॉपिंग हो जाती है, डिजीज ज्यादा आता है, थ्रिप ज्यादा आता है मुर्ग बाहर में, तो ये आपके प्रॉब्लम है। फीमेल फ्लावर आना ये प्रॉब्लम आपका नहीं है, क्योंकि बारिश आने के बाद उसको क्लाइमेटिक कंडीशन फीमेल फ्लावर आने के लिए मिलती है, और वो तो आएगा अंदर अगर स्टोरेज है तो वो तो फीमेल फ्लावर आपको बाहर देगा ही। शूट ज्यादा निकलेंगे तो आपको वो शूट 2 या 3 बार निकालना पड़ेगा। लेकिन कब निकालना है याद करिए, आपका जो सेशन चल रहा था कि आपको उसका 4 इंच होने के बाद निकलना है, क्योंकि 4 इंच तक आपके यहाँ पे फीमेल फ्लावर आती है और उसकी जो साइज है वो साइज जबरदस्त बन जाती है, उसकी जो साइज है वो जबरदस्त बन जाती है। क्लियर? और अगर वो करके भी शूट निकल रहे हैं और आपने अगर स्टोरेज नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वो शूट मैच्योर होके टॉपिंग पे आपको सेटिंग मिलेगी, लेकिन टाइम हो जाएगा, वो हस्त बाद में आपका जाएगा। एक अभी अगर स्टोरेज भी है लेकिन बारिश ज्यादा है, क्लाउडी वेदर ज्यादा है, ढग ज्यादा आए हुए आपके यहाँ पे, तो उस टाइम आपको उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ स्प्रे है जिससे आप कर सकते हो, जैसे कि 2.5 ग्राम पर लीटर आप यारा कंपनी का जो बर्ड बिल्डर आता है उसका एक स्प्रे आप ले सकते हो, या फिर आप पोटेशियम मोलिब्डेट 50 ग्राम 200 लीटर पानी को इसका स्प्रे कर सकते हो, ये फीमेल फ्लावर भी आपको ज्यादा देगा। उसके बाद 0.34 जो है उसका भी स्प्रे आप ले सकते हो, या 0.60 जो है वो भी 3 ग्राम से उसका भी स्प्रे आप कर सकते हो। अगर आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना है तो कोई भी बाकी ट्राइजोल लेने से अच्छा रहेगा आप प्रोपिकोनाजोल जो है उसका इस्तेमाल करिए, तो उसी से भी आपको थोड़ा, अगर आपने आधा से 1 ml/L अगर ले लिया तो थोड़ा सा उसी से भी शूट आपका रुकेगा। इस प्रकार से आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेज है वो है स्टोरेज स्टेज में। अगर आपका मुर्ग बाहर है तो स्टोरेज स्टेज में आपको काम करना ही पड़ेगा। विश्वनाथ जी ठीक है? अशोक जी सगेना लिया, विश्वनाथ जी हाँ, पंडरीनाथ कालखेरे जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड उसी के ऊपर मैं आ रहा हूं अभी। बैटरी ब्लाइट सबने लिखा, बैटरी ब्लाइट के ऊपर बात करी है, मैं बैटरी ब्लाइट के ऊपर बात करूंगा ठीक है।
केकार लक्ष्मण जी नहीं, अमोनियम मोलिब्डेट अगर आप देंगे या पोटेशियम मोलिब्डेट देंगे, जिससे मोलिब्डेनम आपके यहाँ पे मिलेगा, आपको फीमेल फ्लावर निकालने के लिए कोई तकलीफ नहीं देता है, फीमेल फ्लावर आपकी अच्छी निकलेगी। कैलाश राजपूत जी, कैलाश जी हाँ जी बोलिए। नमस्कार जी। हाँ, मैंने अभी मई का बेस्ट सेलिंग लिया था। ओके। और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और यह जनपद है हमारा। हाँ, इस क्षेत्र में सर ये अनार की खेती हो रही है, लेकिन मुझे जो है आपकी इस ट्रेनिंग से तमाम मैं जो वीडियो देखता रहा हूँ उससे मैंने कोशिश की थी, 3 साल हो रहे हैं हमारे प्लांट, इस समय अच्छी खासी फूटी हमारे प्लांट में हो रही है। ओके। और मुझे ये भरोसा है सर कि आपके सहयोग से मैं उत्तर प्रदेश में भी अच्छी खासी अनार की पैदावार हो सकती है, तो मैं आपको कल जो है मैं व्हाट्सएप पे वीडियो भेजूंगा अपने खेत का। चलेगा सर। वीडियो जो आ रही है ना सर, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज विशेष था नहीं, तो कुछ एक डिजीज है, लेकिन कलर के लिए विशेष तौर पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़ा मौसम जो है यहाँ आना की गर्म इतना पहले बहुत होता था, पहले धूप चलती थी, लेकिन मौसम में आप परिस्थितियां बदल चुकी है, बहुत धूप ये नहीं होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बारिश भी बहुत अधिक नहीं हो रही है, एक एवरेज मौसम है, और मुझे ये भरोसा है कि यहाँ अनार की खेती बहुत ही अच्छी हो सकती है। ओके ओके। फिर दोबारा चाहूंगा एक बार ट्रेनिंग आपकी अगले सत्र में हिंदी की ट्रेनिंग में, और अगर बात है ये ट्रेनिंग मैंने पहले भी होती प्लांटेशन से पहले, तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, तो जानकारी नहीं थी उसकी वजह से, यहाँ वैज्ञानिक हो रहे जहाँ हमें ICRI की बहुत साल है यहाँ हमारे लखनऊ के बगल में गाजियाबाद में, तो वहाँ से क्रॉथ वगैरह मैंने वहाँ से अच्छी ली थी भगवान की, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान हमें इस तरह का जो आपके यहाँ का वो नहीं था, बराबर किताब तक किया मैं किताब के ज्ञान से काम किया, लेकिन फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो लगाए पौधे में बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपके ज्ञान से हम यहाँ बहुत अच्छा परिवर्तन हमारा हो सकता है, अनार की फसल एक अच्छी फसल ले सकते हैं, तो मैं सर आगे और जाना चाहूंगा आपके साथ मिलके, और पहले भी मैंने निवेदन यही किया था कि मेरा यही एक छोटा मिशन होगा, क्योंकि मैं अपनी एक्टिव लाइफ 35 साल बैंक में देख पा हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, ये अनार जो आपका एक तो बहुत बहुत ही पौष्टिक है, सुंदर अच्छा ये फल है, दूसरा इसमें आमदनी भी अच्छे से हो जाए तो और फलों की अपेक्षा अच्छी आमदनी होने के लिए है, बराबर है, क्या निवेदन है, और मैं इसी में आगे फर्दर फिर एक बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा, हमारे साथ अगली बार कई लोग होंगे आपकी ट्रेनिंग में, बिल्कुल बिल्कुल, ट्रांसमिशन वगैरह फ्रेश जब करेंगे तो जो बेसिक चीजें हैं उनको लेके करेंगे, और उम्मीद यही है सर जो आपका भी समय है उसको थोड़ा अपने आप ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और दूसरा जैसे ये पूरा कोविड का सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में जब आएगा, फ्लाइट वगैरह अच्छी तरह से चालू हो जाएगी, तब मैं उत्तराखंड में भी जाने वाला हूँ, हिमाचल में, उसके बाद यूपी में भी आने वाला हूँ, हरियाणा में सिरसा जो है वहाँ पे राजवीर जी है, तो उनके यहाँ पे भी मैं जाने वाला हूँ, और राजस्थान तो मैं जाता ही हूँ, गुजरात तो मैं जाता ही हूँ, लेकिन ये आपका एरिया अभी तक अनटच मेरे लिए, तो वहाँ पे आने के बाद और अच्छा आपके हवा पानी में हम क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम करके और अच्छा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम सोचेंगे। जी जी, मैं आपके यहाँ सर फील्ड में भी विजिट करके एक बार अब ये सब खुल जाएगा तो आपके यहाँ भी मैं आऊंगा आपके फार्म्स को देखने, और 10-12 लोग मैंने फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बनाया है सर, तो उसके माध्यम से हमारे और मेंबर भी इसमें एक्टिव हो रहे हैं, तो फिर मैं उस बैच के हिसाब से पूरे आके पूरी एक बेसिक ट्रेनिंग लूंगा, फिर कोशिश करूंगा आप हमारे इधर आसपास कहीं वगैरह होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे हमें आपसे ज्ञान मिलेगा, तो इसको मैं आगे प्रमोट करने की कोशिश करूंगा। यस बिल्कुल, ठीक है ठीक है, थैंक यू जी। तो चलिए, यस सदराम जी, सदराम जी बोल रहे कि नेक्स्ट बैच के लिए मेरे 15 मेंबर कंप्लीट हो गए। अच्छा चलिए, आज का जो टॉपिक है अभी जो भी कैलाश जी ने बोला, कैलाश जी ने म्यूट नहीं किया था, ओके ठीक है, जो मैंने कर दिया अभी। हाँ, तो सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। आज का जो सेशन है वो हम लेने वाले हैं डिजीज के ऊपर। डिजीज मतलब दाग धब्बे, फल सड़ना, ये जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं किया उनके लिए
डिजीज मतलब जितना मैं खर्चा कर रहा हूँ और जो क्वालिटी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उसको नहीं, कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए और मुझे जितना क्वालिटी का, जो क्वालिटी का जितना टनेज चाहिए उतना मिलना चाहिए, तो मेरा पौधा हेल्दी है, मेरे फ्रूट हेल्दी है। क्लियर? अभी जैसे मैंने आपको सबसे पहले आगे का जो मेरा फसल, मैं सोयाबीन के बारे में बोला, मेरे पास एप्पल भी लगाए हुए हैं, सोयाबीन भी लेता हूं, प्याज भी करता हूं, सीताफल भी है, अनार भी है, चीकू भी है, मैंगो भी है। अभी मैंने वापस मैंगो का हाई डेंसिटी पे प्लांटेशन भी किया है अभी लास्ट वीक में। तो ये सभी फसल मैं मेरे खेत में करता हूं, लेकिन मैं जो भी ज्यादा जानकारी रखता हूं वो अनार की, क्योंकि अनार ने मुझे ऑल ओवर इंडिया और जिस कंट्री में अनार होता है वहां तक घुमाया, सब लिया और 15 साल का निचोड़ एक 50 घंटे के ट्रेनिंग के माध्यम से मैं आपको देता हूं, जो कि मुझे कोई भी, जैसे कि अभी यूपी से बात हो रही थी या कुल्लू से बात होती है, हरियाणा से बात होती है, कर्नाटक से बात होती है, तेलंगाना से बात होती है, आंध्र से बात होती है और महाराष्ट्र से तो ठीक है, राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल कर चुका हूं, तो गांव का मुझे पता है जो अपने ट्रेनिंग में देखा हुआ है। तो ये सब जगह का जो जाके मैंने देखा हुआ है वो मुझे पता है कि कौन से कंडीशन में क्या करेंगे तो आपको क्या क्या होगा, किस मिट्टी में क्या प्रॉब्लम आएंगे, इसीलिए मैं ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ अनार का लेता हूँ और वो पेड ही रहेगा फ्री में। ऐसे वेबिनार अपने चालू रहेंगे, वो ट्रेनिंग कभी भी मैं फ्री नहीं करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। जो 9 o'clock में चालू करता हूँ और 2 बजे जो खत्म हो जाता है वो इंटेग्रिटी फ्री में कभी भी नहीं रहेगी, ये मैं आपको बोलता हूँ। जब हम पैसे देते हैं तो अपना अटेंशन 100% उसके अंदर देते हैं और बिना अटेंशन का ट्रेनिंग करके आपको भी कुछ फायदा नहीं होगा और मुझे भी कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो काम आगे चलाना है ये बंद हो जाएगा क्योंकि पैसे की जरूरत होती है। पूरी टीम आपको इतने कॉल करने के लिए, R&D करने के लिए, सॉफ्टवेयर की टीम, ये पूरे वीडियो एडिटिंग की टीम, ये सब टीम रखनी पड़ती है, सब खर्चे तो निकालने पड़ते हैं। और ऐसा कभी भी पागलपन मैं नहीं करूंगा कि मेरे खेत में पैसे कमा के आपको ज्ञान देने के लिए वो पैसे इधर खर्चा करूंगा, कभी भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को भी फैमिली है, मेरे भी बेटी है, मेरा भी बच्चा है, उनको भी मुझे पढ़ाना है और अच्छे उनको पाल परवरिश करना है, जैसे कि आप भी सोचते हो, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। क्लियर? फ्री में कुछ नहीं मिलता दोस्तों, इतना याद रखिए, जो भी आपको आके बोल रहा है ना मैं फ्री में देता हूँ, उसके पीछे कुछ तो भी हिडन एजेंडा होता है जो कि एग्री अकेडमिया में आपको कहां पे भी नहीं मिलता, कहां पे भी नहीं मिलता। चलिए अभी सबसे आज का जो 8वां सेशन है वो सेशन हम लेने वाले हैं डिजीज मैनेजमेंट। पहला जो डिजीज है वो लेते हैं हम बैक्टीरियल ब्लाइट। अभी जिनका फ्रूट ग्रीन कलर में है, हरे कलर में, आज का सेशन आपने ट्रेनिंग लिया भी होगा, ट्रेनिंग के अंदर मैंने आपको 33 पॉइंट्स दिए भी होंगे, तो भी लास्ट तक आपको रहना है और आपको लिखना है, नोट्स निकालिए, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये रिमाइंडर है आपको कि आपको ये करना है। अभी बारिश आएगी, अभी थोड़ी बारिश आएगी, फिर ज्यादा बारिश आएगी, अभी टेम्परेचर गर्म रहेगा, पसीना पसीना हो जाएगा, ये सब मैं अभी जो बताऊंगा जैसे जैसे आप खेत में चलेंगे वैसे वैसे आपको याद आएगी, नहीं बीटी बोरे ने ये बोला था, बीटी बोरे ने वो बोला था, तो आप एक्शन ले लेंगे, आप एक्शन ले लेंगे। क्लियर? अभी सबसे पहले बैक्टीरियल ब्लाइट अगर आपके खेत में अभी तक कभी भी नहीं था, अच्छी तरह से सुनिए, आपके खेत में अभी तक कभी भी बैक्टीरियल ब्लाइट नहीं था और आपके खेत में अभी ग्रीन कलर का स्टेज है और 8 दिन पहले अगर आपके खेत में आंधी के साथ बारिश आई थी और आपको 1, 2, 3, 4, 5 पौधों के ऊपर कुछ फल, 1 फल, 2 फल, 3 फल बैक्टीरियल ब्लाइट के दिख गए, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है,
किसी का भी सोचना नहीं है, किसी का भी सुनना नहीं है, मेरा भी सुनना नहीं है। आपको जाके आपके मन को ये बताना है कि भाई ये जो पांच पौधे थे ये वीक थे और इन्हीं के ऊपर वो आके पड़ा हुआ है, इसीलिए इनके यहाँ पे फल फटना चालू हुआ है। तो वो पौधों को अगर आपको हेल्दी करना है तो हेल्दी कब होगा, जैसे आप बीमार हो जाते हैं और डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि आप काम मत करिए, आप रेस्ट करिए, आप आराम करिए। जो भी आपके घर में बिल्ली होगी या कुत्ता होगा, जब भी वो बीमार होता है वो बिल्कुल खाता पीता कुछ नहीं, वो सिर्फ सुस्त पड़ा रहता है, बॉडी ऑटोमेटिकली उनको तो कुछ समझता नहीं है लेकिन वो खाते नहीं है कुछ नहीं, वो सिर्फ पड़ा रहता है, ऑटोमेटिकली बॉडी रिकवर कर लेती है। क्योंकि जो हम काम करते हैं या जो भी अपन एक्टिविटी करते हैं उसके अंदर जो भी अपनी एनर्जी जाती है उससे वो डिजीज अपने ऊपर ज्यादा अटैक करता है। सेम पौधों का आपको ख्याल रखना है, उनके ऊपर जितने भी फल है अच्छे बुरे फटे हुए सबको क्रेट में लेना है और बाहर जाके जलाने हैं, बाहर जाके जलाने हैं। ये जलाने के बाद आपके ये जो तीन चार पांच पौधे हैं, ये माल तो आपका चला गया लेकिन बाकी जो प्लॉट में आपका है वो आपका बच गया। क्योंकि अभी तक आपके खेत में बैक्टीरियल ब्लाइट, याद करिए वो ट्रायंगल, डिजीज का ट्रायंगल, होस्ट पैथोजन क्लाइमेट, तो वो जो पैथोजन है वो आ चुका है, अभी तक नहीं था। तो ये जो अभी आ चुका है उसी पौधों के ऊपर वो रहेगा, अगर ये फल आपने नहीं निकाले तो उसी के ऊपर ये बढ़ेगा, वो फल आपने तोड़ लिए उसके ऊपर वापस हो जाएगा, वो निकालिए उसके ऊपर आगे वाले फलों के ऊपर हो जाएगा और पौधा भी आपका हेल्दी नहीं होगा। क्योंकि जो भी फल है डिजीज वाले है या अच्छे है उसको पता नहीं है, वो तो जो भी खाना बनाएगा उसके तरफ भेजेगा। अभी एक मेरा सेंटेंस वापस सुनिए, जब अनार के पेड़ के ऊपर अनार नहीं होते तब अनार का पौधा पत्तों में जो भी खाना बनाएगा वो खाना उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में इस्तेमाल करता है। डेवलपमेंट मतलब क्या, जो अंदर वो खोखला हो रखा हो गया है उसको वापस वो रिफिलिंग करता है, उसको तंदुरुस्त बनाता है। तो जब आप ये फल तोड़ देंगे निकाल देंगे तो जो भी पत्तों के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, जो भी पत्तों के अंदर खाना बनेगा, जो भी न्यूट्रिएंट वहां पे रहेगा, वो जो स्टोरेज है वो स्टोरेज सब आएगा और वो जो पौधा है उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बढ़ाएगा। पांच पौधे के फल चले गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पांच पौधे अगर आपने हेल्दी बना लिए तो नेक्स्ट सीजन के लिए आपके यहाँ पे जो स्प्रेड होने वाला था उसका हमेशा बैक्टीरियल ब्लाइट पहले साल दो चार पांच पौधों के ऊपर ही आता है। अगर प्लांटिंग मटेरियल से आपने नहीं लाया है तो बोल रहा हूं मैं, सेकेंड ईयर आपके यहाँ पे 50 पौधे तक होंगे, थर्ड ईयर आपके यहाँ पे 200 300 400 पौधों तक जाएगा और फोर्थ ईयर शायद ही आप अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर पाएंगे या फिर आप गार्डन निकाल देंगे, ये कंडीशन हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो फल है ये फल आपको तोड़ना है और बाहर जाके जलाने है। ये काम आपने कर लिया, सबसे पहला स्प्रे करने से पहला काम आपने किया, मेरा भी सुनना नहीं, आप खुद का सुनना है। वो जो एग्जांपल मैंने पेशेंट का दिया, वो बीमार है रेस्ट कर रहा है, ये पौधे बीमार है उसको रेस्ट करवाना है। क्योंकि एक बार अगर बैक्टीरियल ब्लाइट पूरे खेत में फैलेगा, मैंने आपको सिर्फ एक ही दवा बढ़िया बोली है, बाहर शिफ्ट करिए, हस्त बाहर में जाइए। लेकिन हस्त बाहर के लिए जो भी मैंने कंडीशन दी है 17, वो 17 कंडीशन आपके यहाँ पे अगर है तो ही आप हस्त बाहर ले सकते हो, अगर नहीं है तो आप बाहर लेने में कार्यक्षम नहीं रहेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। क्लियर हुआ सबको, ये पहला काम आपको करना है। अगर ये बारिश में अगर आपके खेत में सबसे पहले बैक्टीरियल ब्लाइट किस पौधों के ऊपर दिखेगा तो उसको आपको खाली करना है, फल निकाल के फेंकना है, खेत में फेंकना नहीं है। अभी जैसे वो दिख गया उसके बाद आपको फंजीसाइड और एंटीबायोटिक साथ में मिला के स्प्रे करना है। फंजीसाइड में आप कौन कौन ले सकते हो, फंजीसाइड में आप कॉपर ले सकते हो, कॉपर में कौन कौन ले सकते हो, सीओसी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या फिर ब्लाइटॉक्स जो आता है वो, या फिर कोसाइड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये आपको लेना है 2 ग्राम, दोनों में से कोई भी एक लेना है 2 ग्राम।
प्लस उसके अंदर आपको डालना है 2-bromo-2-nitropropane जो ब्रोनोकोल नाम से मिलता है 27% वाला, वो लेना है आपको हाफ ग्राम आधा ग्राम, या फिर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको स्टिक अप रहूंगा, जो हिंदुस्तान एंटीबायोटिक जो कंपनी है इसी कंपनी का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इस्तेमाल करिए। सॉरी टू से बाकी कंपनी वाले नाराज होंगे, लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का चाहिए हिंदुस्तान एंटीबायोटिक के प्रोडक्ट में बढ़िया है, इसीलिए कुछ भी यहाँ पे जिस डीलर के पास मिलेगा वहां से ले लीजिए। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक का आपको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेना है 0.25 ग्राम, और इसके अंदर आपको डालना है नॉन आयनिक स्टिकर, जो भी नॉन आयनिक स्टिकर जो पत्ता आता है अक्सर इसी तरह से आता है वो आपको डालना है। ये कॉपर बेस फंगिसाइड और ये एंटीबायोटिक ये मिक्स करना है और इस्तेमाल करना है। अभी अगर आपके यहाँ पे अभी सेटिंग भी चल रही है, कुछ फलों के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट दिख रहा है और सेटिंग भी चल रही है, तो ये स्टेज में आप कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, कॉपर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस टाइम आपको कैप्टन जो आता है, अलग अलग कंपनी का आता है कैप्टन, कैप्टोक नाम से आता है, वो आपको लेना है 2 ग्राम, और ये एंटीबायोटिक उसके साथ में मिला के इस्तेमाल करना है। इस यही पे आपको हाइड्रोजन पैराक्साइड इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको जो कैप्टन प्लस फॉस्फोरिक एसिड मैं बोलता हूँ वो इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फोरस जो मैं बोलता हूँ वो भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लो रिस्क पीरियड, मीडियम रिस्क पीरियड, हाई रिस्क पीरियड, अभी आपके यहाँ पे डिजीज आ चुका है तो द बेस्ट उसको मारने वाला जो केमिकल मार्केट में अवेलेबल है उसका इस्तेमाल आपको करना है। अभी आपको ये मैंने मिक्स करने को बोल दिया, अगर आपके पास रेडीमेड फॉर्मुलेशन अवेलेबल है कॉपर प्लस कासुकामाइसिन जो कोनिका नाम से मिलता है, जिसको लेबल क्लेम भी है अनार के अंदर, वो भी आप ले सकते हो 1.5 ग्राम पर लीटर। ये सभी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए, वापस मैं बोल रहा हूं, सभी जो स्प्रे होते हैं ये सभी स्प्रे आपके प्रिवेंटिव होना चाहिए। एक बार अगर आपका फल फटना चालू हुआ तो कोई भी केमिकल बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर काम नहीं करता, इसीलिए मैंने जो बोला कि अभी आपको डेली 2 बार सुबह शाम ऑब्जर्वेशन कब लेने को बोला है मैंने, सुबह शाम, और आपको ऑब्जर्वेशन लेना है जिस तरह उसको सनलाइट मिल रहा है उसी तरफ आपको देखना है, और जब भी ये दिखेगा, और मैंने एक जो स्लाइड दिया है आपको वो स्लाइड आपके पास हमेशा रहेगी 0 day to 14 days, कैसे कैसे उसको बढ़ जाता है और 7वें दिन पे जाके आप उसको देखते हैं जब वो क्रैकिंग देना चालू कर देता है। तो ये जो फोटोग्राफ्स भी मैंने जो ट्रेनिंग में आपको दिए है ये भी आपको स्क्रीनशॉट आपके पास होंगे तो आपको ये काम करवाना पड़ेगा। क्लियर, यहां तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको पहले दिखेगा उसको निकालना है और तुरंत आपको उसी दिन स्प्रे लेना है उसको निकालने के बाद। अभी ये जो पौधे है उसको जड़ से नहीं उखाड़ना, उसको कट नहीं करना। अगर ब्रांचेस के ऊपर दिख रहा है तो वही ब्रांच आपको जहां पे उसका स्पॉट दिख रहा है वहां से जाके नीचे 2 इंच पे जाके कट कर दीजिए, ब्रांचेस निकाल लीजिए, पौधे को हाथ नहीं लगाना, पौधा उखाड़ना नहीं है। वो बहुत पहले था 2002 में 2003 में एक पौधा दिख रहा है उखाड़ दीजिए, उखाड़ के कुछ नहीं हुआ, बाजू वाले पौधे मरना चालू हो गया, तो आपको उखाड़ना नहीं है, उसको खाली करिए, आराम दीजिए और ये स्प्रे तुरंत ले लीजिए ताकि आपको यहाँ पे अच्छा कंट्रोल मिलेगा। ये हो गया। अभी ये स्प्रे करने के बाद आपके यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे रहेगी इसके ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, इसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। अभी ये कंडीशन अगर आपके यहाँ पे ज्यादा ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा और आपके फलों के ऊपर और पत्तों के ऊपर अगर ज्यादा समय तक अगर पानी रहेगा, हो सकता है वो पानी आपका डिजीज जो भी स्प्रे कर रहे हो आप डिजीज कंट्रोल करने के लिए उसका होगा, या फिर बारिश का होगा, या सुबह सुबह ओस गिर रही होगी उसका होगा। जितना देर आपके पत्ते गीला रहेगा उतना बैक्टीरियल ब्लाइट आपके खेत में बढ़ेगा, उतना बैक्टीरियल ब्लाइट आपके खेत में बढ़ेगा। और जब भी आप दोपहर के खेत में जा रहे हो
और आप पसीना पसीना कर रहे हो, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी आपके यहाँ पे हो रही है, तो आपके यहाँ पे डिजीज सबसे ज्यादा ग्रो करेगा। और यही कंडीशन में अगर आपके यहाँ पे हवा है तो हवा से एक जगह से दूसरी जगह जाएगा और जो फल है पत्ते है वो इधर उधर हिलेंगे, उसको जख्म होगी और फिर आपके यहाँ पे बैक्टीरियल रेट और ज्यादा बढ़ेगा। और उसी में अगर थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है, मतलब ये फल है और इसके ऊपर यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, बारिश का पानी वहां पे गिरेगा और वो जब उड़ेगा तो उसी के साथ में आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट स्प्रेड होगा। और जब आप स्प्रे करते हो और स्प्रे करते समय अगर आप ब्लो का इस्तेमाल कर रहे हो, तेज हवा के साथ में आपका स्प्रे हो रहा है, तो वो जो हवा जा रही है इसी से भी आप जुर्माउ 34 का स्प्रे कर रहे हो, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कर रहे हो, आप कोई पीजीआर का इस्तेमाल कर रहे हो, आप इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, आप फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे बैक्टीरिया नहीं मरता, ऐसा कोई भी अगर आप स्प्रे कर रहे हो तो आपको ये पानी भी आपके यहाँ पे ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा, ये पानी भी पत्तों को और फलों को ज्यादा देर गिरा रखेगा और ये ही पानी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे बैक्टीरियल ब्लाइट को लेके जाएगा। इसीलिए जितना हो सके उतने कॉम्बिनेशन के स्प्रे लीजिए और जितना हो सके उतने नंबर ऑफ स्प्रे कम कर दीजिए। नाइट्रेट नाइट्रोजन के स्प्रे नहीं होना चाहिए, जमीन से नहीं जाना चाहिए, वो तो ऑलरेडी मैंने बोल दिया है, लेकिन अभी डिजीज कंट्रोल करना आया हुआ है तो अभी क्या करना है, इस प्रकार से अगर आप ज्यादा देर वहां पे डिजीज रहने के लिए अगर जगह बना लेते हो तो ऐसे कंडीशन में आपको नहीं रखना है, ऐसा स्प्रे आपका नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए कंट्रोल मेजर आपने नहीं डाला हुआ है। क्लियर? तो ज्यादा समय तक आपको पत्ते गीले नहीं रखना है। अभी बैक्टीरियल ब्लाइट का स्प्रे आपका कब होना चाहिए? बैक्टीरियल ब्लाइट का स्प्रे आपका सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक खत्म करिए। सबसे बढ़िया अगर आपको रिजल्ट चाहिए 5 बजे से लेके 7 बजे तक, बिल्कुल अभी का कंडीशन में 8 दिन का कंडीशन बोल रहा हूं, आपके खेत में हवा नहीं रहेगी और अगर हवा नहीं है तो आपका कवरेज अच्छा रहेगा। कवरेज का शायद वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियो डाला हुआ है। अभी तक अगर बीटी गोरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके बीटी गोरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करिए और पूरे के पूरे वीडियोस देख लीजिए दोस्तों। तो अभी जो मैंने कवरेज का जो वीडियो डाला है ये सभी फंजीसाइड के लिए, वो भी जाके आपको देखना है, क्योंकि वहां पे मैं कुछ विजुअल्स डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकता, लेकिन यूट्यूब की वीडियो में भी 10-12-15 मिनट के जो भी वीडियो होते हैं उसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ ताकि आपको डिसीजन लेने के लिए अच्छा रहेगा। क्लियर? तो आपको सुबह स्प्रे लेना है, सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे। एक तो सिस्टमिसिटी जबरदस्त होती है और कवरेज बढ़िया मिलेगा, हवा नहीं रहेगी कवरेज बढ़िया मिलेगा। और 6:30 बजे आपके यहाँ पे सनराइज होती है, उसके बाद आपके यहाँ पे जो सुबह सुबह का जो भी सनलाइट मिलता है उसी से फोटोसिंथेसिस इस दिनों में बहुत ही बढ़िया हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में आपके यहाँ पे सिस्टमिसिटी अच्छी मिलेगी, कवरेज अच्छा मिलेगा और वो जो केमिकल है वो केमिकल पौधों के अंदर लोड हो जाएगा। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत ही खराब है तो 4 दिन आपको रुकना है। अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, क्लाउडी वेदर है, बारिश बीच में थोड़ी बहुत आ रही है, आपका ग्रीन कलर का स्टेज है लेकिन बहुत ही ज्यादा वर्स्ट नहीं है, थोड़ा सा ठंडा है, शाम के टाइम आपको अगर बाहर बैठते घर के सामने तो ठंड लगती है, थोड़ा बहुत लगता है कि कुछ तो भी ओढ़े या फुल शर्ट पहने, तो ऐसी कंडीशन जब होती है तो इतना ज्यादा डरना नहीं है। लेकिन जब हीट बहुत ज्यादा आती है बारिश के बाद, सेकेंड डे जो हीट हो जाती है, ह्यूमिड क्लाइमेट बन जाता है, यही कंडीशन में आपको सबसे ज्यादा खुद को बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए इन्वॉल्व करना है। क्लियर? 8 दिन और 4 दिन मैंने बोल दिया। अभी कोई भी एंटीबायोटिक आपको वापस 8 दिन 10 दिन के अंदर नहीं लेना है। एक एंटीबायोटिक अगर आपने ले लिया तो सेकेंड एंटीबायोटिक आपका 10 दिन का इंटरवल रखिए, जल्दी जल्दी उसको मत दीजिए, यह भी आपको प्रिकॉशन लेना है। अभी ये स्प्रे होने के बाद फिर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक है कैप्टन प्लस फॉस्फोनिक एसिड, सॉल्ट ऑफ फॉस्फोनिक एसिड जो 40% वाला आता है,
फॉस्फोरिक एसिड नहीं, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फोरस नहीं। अगर आपके दुकानदार के पास आप उसको एक्टोमीन फॉस्फोमीन ऐसे नाम से बोलिए ताकि उनको पता चल जाता है कि फॉस्फोनिक लिक्विड में आता है, वो आपको लेना है। कैप्टन 2.5 ग्राम प्लस फॉस्फोनिक 2.5 ग्राम, ये कॉम्बिनेशन 2 से 2.5 ग्राम आपको लेना है। और इसके साथ भी आपको नॉन आयनिक स्टिकर का बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए जो भी स्प्रे आपके होंगे उसी के अंदर आपको सभी नॉन आयनिक स्टिकर जाएगा सभी स्प्रे में। क्लियर, ये एक ऑप्शन है आपके पास। सेकेंड ऑप्शन है कैप्टन प्लस सॉल्ट ऑफ पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एक्टिव पॉलीमराइज फॉस्फोरस, जो आपका प्रोफाइट नाम से मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो 2 और 2.5 ग्राम कैप्टन ले लीजिए, 2.5 ग्राम आप प्रोफाइट जो आता है, न्यूट्रीफाइट आता है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड मार्केट में है, वो देख लीजिए आप, तो वो आपको लेना है 2.5 ग्राम। और थर्ड जो है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है आपका बैसिलस सटलिस और सेकेंड है सुडोमोनस फ्लोरोसेंस प्लस ट्राइकोडर्मा, ये 2 ऑप्शन है। अभी ये जो 2 ऑप्शन है ये आप वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड के साथ इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपका कोई इंसेक्टिसाइड जा रहा है तो उसके साथ में आपको इसको डालना है, कुछ नहीं होता, नहीं मारता, तो इसके साथ में आप इस्तेमाल कर लीजिए। कोई अगर पीजीआर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अगर किसी को करना है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर, तो आपको बैसिलस सटलिस, सुडोमोनस फ्लोरोसेंस या ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये जो लेना है ये आपको जो 30 बिलियन काउंट वाले जो लिक्विड 100 ml पैकिंग में या 100 ग्राम पैकिंग में जो आता है वो आपको लेना है। या फिर अगर आप ये जो लिक्विड फॉर्मुलेशन 1 लीटर वाला जो हमारा आता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करना है 24 आवर्स वो मैंने आपको दिया हुआ है, ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके यहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, ये अगर ज्यादा रहेंगे तो ये कम हो जाएगा, अगर बैक्टीरियल ब्लाइट ज्यादा है इसका काउंट अगर कम जाएगा तो बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल नहीं होगा। तो आपको ये जो जैसे कि एशियन एग्री टेक्नोलॉजी पहले कंपनी बोली थी आपको, ये कंपनी का आपको मिलेगा, या फिर इंटरनेशनल प्रीनिशिया लिमिटेड IPL जो कंपनी, ये कंपनी का आपको ये मिलेगा। उसके बाद एसके बायोबीज नाम की कंपनी है नासिक की, ये कंपनी का भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। आपके दुकानदार के पास बाकी भी कोई कंपनी होगी तो वो कंपनी का भी आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। वेंकटेश बायोटेक करके कंपनी है, ये कंपनी का भी आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, तो ये आपको 30 बिलियन या 20 बिलियन काउंट वाला जो है सिर्फ लेना है आधा ml या फिर आधा ग्राम, पाउडर अगर है तो ग्राम में लेना, लिक्विड है तो ml में लेना, ये आपको स्प्रे करना है। लेकिन इनका स्प्रे और कॉपर का स्प्रे, जैसे कि कूनी का आपने लिया है या कॉपर आपने लिया है, तो इसके बीच में आपको मिनिमम बारिश अगर आती है तो 4 दिन, बारिश अगर नहीं आती है तो 7 दिन। बीच में कॉपर स्प्रे करने के बाद अगर बारिश आई हुई है तो 4 दिन के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बीच में अगर बारिश नहीं आती है तो 7 दिन आपको नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि कॉपर बेस्ड फंगिसाइड जब पौधों के ऊपर रहेगा जितना देर उसको ह्यूमिडिटी मिलेगी उतना ज्यादा क्यूपरस आयन रिलीज करेगा और वहां पे एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी देगा। अगर आपने ये स्प्रे कर लिया जिसके अंदर बैसिलस सटलिस है और वो कॉपर का पार्टिकल वहीं पे है, ये पानी गीला करेगा कॉपर के पार्टिकल को और वो वहां पे क्यूपरस आयन रिलीज करेगा और आपके बैसिलस सटलिस को, सुडोमोनस फ्लोरोसेंस को, ट्राइकोडर्मा को इस्तेमाल काम करने नहीं देगा, उसको मारेगा। तो इसीलिए बारिश अगर हुई बीच में तो 4 दिन और बारिश नहीं हुई तो 7 दिन आपको नहीं इस्तेमाल करना है। अभी लाल कलर अगर आ गया है तो बैक्टीरियल ब्लाइट वैसे भी कम हो जाता है, इतना ज्यादा बैक्टीरियल ब्लाइट अटैक थोड़ा सा स्पॉट आएगा तो उस टाइम आपको कॉपर बेस्ड फंगिसाइड नहीं लेना है। लास्ट स्टेज में अगर कॉपर बेस्ड फंगिसाइड आप अगर इस्तेमाल करोगे तो जाली पकड़ेगा, आपका कलर कम होगा, फेंट कलर होगा, तो आप कैप्टन का इस्तेमाल करिए, उसके साथ में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आप कर सकते
हो, आप कर सकते हो। तो बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए आपको ये सभी स्प्रे का जो शेड्यूल है, मैंने अभी कोई भी मुझे पर्सनली या ग्रुप के ऊपर बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर बात नहीं करेगा, इतना डिटेल में मैंने कभी भी बैक्टीरियल ब्लाइट के ऊपर आपको नहीं बताया था। और अगर कोई वाइपर डालता है कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट इसके ऊपर क्या करो, तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी, उसको बताइए क्या करना है, या फिर उसको बोलना है कि तू वेबिनार अटेंड करते जा भाई। हर मंडे मैं मेरा टाइम निकाल के आता हूँ, दिन भर खेत में काम करता हूँ, कंपनी के काम करता हूँ, तो भी मैं कमिटमेंट देता हूँ। जिस दिन नहीं, थोड़ा सा बहुत ही बिजी होता हूँ, तो एक आधा दिन स्किप हो जाता है, लेकिन वापस मैंने गुरुवार को लिया था जिस दिन स्किप हुआ था। मेरी एक ही इच्छा है कि ये कष्ट हम सब लोग लेंगे और इस बार बैक्टीरियल ब्लाइट से भी बचेंगे और स्पॉट भी नहीं आने देंगे, अच्छा हार्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये साल अनार कम है, पैसे कमाने का साल है। और लॉकडाउन में अगर अपने पास पैसे आते हैं तो ही जाके हम 93 रुपीस का डीजल परचेस कर सकते हैं और खेत के काम कर सकते हैं, तो पैसे आना चाहिए। क्लियर? तो ये अभी ये तो हुआ शुरू। अभी आपको बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए कवरेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आपके खेत में ज्यादा विजिटेटिव ग्रोथ हुआ है और अंदर अगर आपके यहाँ पे स्प्रे नहीं जाता है तो अंदर के जो फल है उनके ऊपर आपको बैक्टीरियल ब्लाइट दिखेगा। अभी आप बोलेंगे उसको कट कर दो क्या? देखिए, जितना ज्यादा कट करोगे उतना बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ने की संभावना ज्यादा है, उतना बैक्टीरियल ब्लाइट बढ़ने की ज्यादा है, शक्यता ज्यादा है। इस बार अगर आपको मतलब मैं नहीं निकालूंगा तो फल मेरे बैक्टीरियल ब्लाइट से जाएंगे, ऐसी अगर कंडीशन है तो आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन निकालते समय ऐसे निकालिए, निकाल दिया वो ब्रांच ले लिया, नीचे डाल दिया, ज्यादा पौधों को टच मत करिए, ज्यादा हिलाइए मत, ज्यादा हिलाइए मत। और जैसे ही आज जितना आपका कटिंग हो गया वहीं पे कोनिका का स्प्रे जाना चाहिए, वहीं पे कोनिका का स्प्रे जाना चाहिए। हाँ श्रीपाद वल्लभ जी, आ रहा हूं आपके टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये अगर निकालेंगे तो आपको वहीं पे उसको निकाल के तुरंत आपको वो जो जख्म आप करेंगे उसी के ऊपर आपको कॉपर प्लस एंटीबायोटिक डालना पड़ेगा। तो कोनिका का स्प्रे आप ले सकते हो, कॉपर प्लस बाकी जो दो एंटीबायोटिक मैंने बोला उसका भी स्प्रे ले सकते हो, या फिर कैप्टन प्लस बाकी एंटीबायोटिक जो बोले उसका भी स्प्रे आप ले सकते हो। क्लियर? अभी फर्टिगेशन से क्या करना है, नाइट्रेट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर 100% बंद, नाइट्रेट नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर 100% बंद, टॉनिक 100% बंद, नीचे से भी नहीं ऊपर से भी नहीं, स्लरी सिर्फ और सिर्फ कॉटन के स्लरी, कलर आने के बाद, लाल कलर आने के बाद कॉटन केक स्लरी। क्लियर? पानी जितना कम दे सकते हो उतना कम देना, जितना पानी कम दे सकते हो उतना पानी कम देना, और माइक्रोमिक्स चालू रखना, माइक्रोमिक्स चालू रखना। अभी माइक्रोमिक्स का बाकी लोगों का सेशन नहीं हुआ है तो चलो मैं अभी अनाउंस कर देता हूं, मेरी टीम को भी बोल देता हूं कि सभी ग्रुप के अंदर डाल दीजिए, गुरुवार के दिन शाम को 7:30 बजे मैं सिर्फ माइक्रोमिक्स क्या है, माइक्रोमिक्स के इंग्रेडिएंट क्या है जो कि फर्टिगेशन में आपको बिल्कुल आसानी कर दिया, एनपीके कैल्शियम और बोरॉन और बाकी सब न्यूट्रिएंट, देखिए 16 न्यूट्रिएंट को आपको मैनेज करना है, उसमें से 4 तो चले गए, क्लोरीन गया, कार्बन गया, हाइड्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, जो भी मिनरल न्यूट्रिएंट है एनपीके कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर और माइक्रो न्यूट्रिएंट,
तो इसको आपको सिर्फ इतना इजी करके दिया, एनपीके के लिए आपके पास बहुत सारे ग्रेड अवेलेबल है, कैल्शियम और बोरॉन जमीन से देने के लिए और स्प्रे करने के लिए आपके पास बहुत सारे अवेलेबल है, और अभी माइक्रोमिक्स में आपका सल्फर भी जाएगा, मैग्नीशियम भी जाएगा, जिंक भी जाएगा, फेरस भी जाएगा, मैग्नीज भी जाएगा, कॉपर भी जाएगा, ये सब भी जाएगा, और उनके साथ जो चिलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फल्विक एसिड, अमाइनो एसिड और सीविड से, और 15 दिन में ये जो प्रिपरेशन बन जाता है द बेस्ट रिजल्ट आते हैं। तो ये आपको देना है, ये आपको देना है और ये एनपीके देना है, इतना आसान। हर वीक अगर ये शेड्यूल आप करोगे तो बहुत ही आसान हो जाता है फर्टिगेशन करना, और सभी न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, और डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म बहुत बढ़िया होता है, जो मैंने आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का रोल डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म में कैसे होता है ये मैंने बोला था, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट एज ए कैटलिस्ट प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम करते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है तो डिजीज कम आता है या कंट्रोल करने के लिए आसानी होती है, आसानी होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गुरुवार के दिन शाम को 7:30 बजे, गुरुवार के दिन शाम को 7:30 बजे, ठीक है। आशीष चौधरी जी आप अभी आ गए, इतने लेट क्यों? यह सागर लोले जी मतलब कि माइक्रोमिक्स के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हैं। हाँ ओके, जितेंद्र पाल सिंह जी कर सकते हो आप, एक साथ में नहीं अलग अलग टंकी में। ओके तो अभी विराज पाबड़े जी खूब छान, मतलब आप आज की इंफॉर्मेशन अभी लिखिए मुझे, बाकी मैं आगे का सेशन लेने से पहले, कैसे लगा आज का सेशन, बैक्टीरियल ब्लाइट के प्रति आपको सेशन कैसे लगा, लिखिए जल्दी लिखिए। अभी अभी आदत पड़ गई ना ट्रेनिंग के दौरान, लिखिए 1, लिखिए 2, लिखिए 3। ओके ठीक है, मैंने रिवीजन कर दिया, आप लोगों का रिवीजन कर लिया, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि आपको कोई भी गलती नहीं करना है, गलती से भी गलती नहीं करना है, ये जो मेरा सेंटेंस है हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। सतीश जी थोड़ी देर के बाद जैसे मेरा सेशन खत्म हो जाएगा, आपको जून का जो ट्रेनिंग है ये आपका मराठी में है, जिनको हिंदी का ट्रेनिंग करना है वो आज रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन जुलाई के बैच में उनको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आज की जो लिंक आपको मिलेगी इसी से आप करवा दीजिए, इसी से आप करवा दीजिए, ठीक है ना। मैं मेरी टीम को बोल देता हूं कि आप गौरव अंगुरडे जी आप हाथ ऊपर करिए, गौरव बहु अनम्यूट के लिए अनम्यूट करा। नमस्ते जी। नमस्कार, कैसे चेतस? तो मजा मशे पण किती बोलना म्हणून काय करावा काहीच कळत नाही सर, त्या वेळेस पण बोलणं झालं होतं आपलं, तेव्हा पण शब्द तुटत नव्हते, पण परिस्थिती अशी झाली आता। आवाज नाही ते आवाज ब्रेक होतोय, नहीं 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 आवाज ब्रेक होता है तुमचा, ब्रेक होता है। हाँ हेलो, हाँ आता बोला। हाँ नमस्कार। नमस्ते। तर परिस्थिति खूब गंभीर झाली होती, आपली ट्रेनिंग झाली का त्याच्या अगोदर पासून मी 2 वेळेस बाहेर गेला। हाँ तर वाले यशच आलं नव्हतं। हाँ आपली ट्रेनिंग झाली आणि ज्या ज्या चुका झाल्या त्या त्या जेव्हा सुधारल्या, मी स्टोरेज पिरियड मध्ये फक्त 3 महिने स्टोरेज पिरियडचा टाइम मिळाला मला। ओके पिरियड मध्ये मी एवढं तुमच्या
जी वाणी होती ती संत ज्ञानेश्वर महाराजांप्रमाणे आचरणात आणली आणि एक एक ओळ महत्व त्याच्यात ओळखल आणि 3 महिने लागोपाठ तिसऱ्या हार्वेस्टिंगला 2 हार्वेस्टिंग फेर झाल्या आणि तिसरी जेव्हा हार्वेस्टिंग झाली सर 1636 झाडांपासून मला आत्ता आजच्या कंडिशन अजून 4 टन माल माझा बाकी आहे. 1636 झाडांपासून मला आपल्या मार्गदर्शनातून कम्प्लिटली 28 टन माल मिळाला. ग्रेट ग्रेट. तर जर ह्या वेळेस मी जर फेल झालो असतो तर अक्षरशः कंडिशन काय झाली असती हे आपल्याला जाणून आपण खूप जाणून आहे खूप जवळून आपण बरोबर आहे तर आपण खूप जवळून मला पाहिलेलं आहे आणि कशी कंडिशन मधून गेलेलं आहे आपल्याला प्रत्यक्ष माहिती. बरोबर आहे बरोबर आहे. 2 वेळेस मी अध्यात मागाशी आपण जेव्हा 2009 मध्ये प्रयत्न केलेला होता 5-5 लाख रुपये 3 वेळेस लाज झाली आणि तुम्ही जेव्हा सांगितलं की बॅक्टेरियल ब्लाइटचा फार अटॅक झालेला आहे तुम्ही झाडे काढून टाका आणि त्याच्यानंतर मी सर तुम्हाला अक्षरशः सांगतो 18 पर्यंत पूर्ण वनवास भोगला. जवळ 8 ते 9 वर्ष पूर्ण वनवास घेतला आणि डाळिंब शिवाय मला करमत नव्हतं. हा ग्रंथ वाच ते पुस्तक वाच ते पुस्तक वाच इथं मी शिरते तिथं मी शिरते पण कुठेच काही थार व्हायला लागणार नव्हता. पण एक वेळेस काय अचानक काय झालं मी गावाकडच्या रस्त्याने जात असताना तिथं एक जागेवर थोडासा थांबलो होतो आणि तिथं चर्चा झाली की बाग आहे असं तसं त्याऐवजी तिथं शेतकऱ्याने मला सांगितलं त्याच्यावर मला एकदम क्लिक झालं सर अजून डाळिंबामध्ये रिसर्च मध्ये खूप केलेले आहे आणि त्याच वेळेस मी तुम्हाला फोन केला होता सर त्यावेळेस तुम्ही मला सांगितलं की तिकडं चांगला आहे डाळिंबाचं भविष्य उज्ज्वल राहणार आहे आणि 2018 ला मी तुमचे शब्द एकदम आत्मसात एकदम कधीच झालो आणि तिथूनच लगेच रोकड केले तिथून तुम्ही सांगितले त्या नर्सरीतनं आणि डाळिंब लावले. आता एवढा प्रवास एवढ्या कमी वेळेत काही सांगता येणं शक्य नाही पण समुद्रामध्ये एखादं दाट फरकटत आणि त्याला काही फार वारा दिसत नाही आणि एखादा कुठंतरी लाईटचा जसा दीपस्तंभासारखं कुठेतरी दिसतं आणि आपल्याला वाटतं की नाही इथं किनारा आपल्याला आहे आपण तिथं आसरा घेऊ शकतो त्याप्रमाणे माझी परिस्थिती तरी मी सावरलो आणि परमेश्वर कुठेही म्हणा काहीतरी का असेना समाधान असं लाभलं. दुष्काळामध्ये जेव्हा राजस्थानमध्ये पाणी भेटत नाही तेव्हा पाणी भेटतं त्याप्रमाणे मला यावेळेस पैसे पाहायला मिळाले. 12 वर्षापासून कधी गाळ्यांचे पैसेच पैशात नव्हते आज तोपर्यंत मी जेसीबी मशीन मध्ये केलो कोपऱ्यात घेतलं हे केलं ते केलं काही केलं मला स्वास्थ्यात लाभ नाही. दैवामधील पैशामध्ये जे स्वास्थ्य आपल्याला माझ्या लाभलं खूप आपली समाधानी कहाणी आपल्याला जे कर्तृत्व असतं ते कर्तृत्व सिद्ध करण्याचं जे आहे साधन ते फक्त आणि फक्त डाळिंबच आहे हे मी एकदम कन्फर्म सांगू शकतो आणि आत्मविश्वासाने सांगतो. हे जे सत्य आहे ते आपण सगळ्या जनतेसमोर मांडत आहात आणि काही काळ असेना 2 सेकंद का असेना 2 दिवस असेना 2 वर्ष असेना तुमच्या सोबत घालवले मी माझ्या तुम्हाला माझ्यामध्ये म्हणजे माझ्या नजरेतून तुम्ही माझे एकदम ज्ञानेश्वर महाराज पावली म्हणून समजतो. या ट्रेनिंग मध्ये काय मिळालं आणि काय नाही मी फक्त शब्दात नाही सांगू शकत पण प्रत्यक्ष त्या शेतकऱ्याने गळफास घेऊन आत्महत्या घ्यावी इतका तो निराशाजनक होऊन जातो. मी त्याला कुठेतरी एखादा कुणीतरी भेटतो की नाही डर का बोलू नको सगळं शक्य आहे सगळं काही शक्य आहे तू फक्त कर. अशा प्रमाणे मला तुमच्याकडून ती एक संधी मिळाली आणि मी कोणत्या आणि काय कंडिशन मधून बाग हार्वेस्ट केला तर मलाच माहिती आहे पैसे नसताना विश्व उभं करणं हे कसं असतं हे आपण आपण कळाजाळातून गेलेले सगळ्या शेतकऱ्यांच्या खालच्या वरत्या सगळ्या लेवलमध्ये फिरून चुकलेले आहेत आणि आर्थिक अडचणींना कसं कसं तोंड दिलं आहे कसं तोंड द्यावं लागतं हे सगळं आपल्यापेक्षा मी तरी सांगतो कोणीच नाही जाणू शकत कारण परिस्थिती कशी असली
सावरण माणसाला हे फार महत्वाचं असतं. आणि तुम्ही आम्हाला कसं तरी काही का असेना कसं भेटलात काय भेटलात आणि कशी आपली अजून जवळी झाली तुम्ही कुठं काय ते परमेश्वरात आपल्याला करून दिली पण भेट झाली. धन्यवाद मानतो परमेश्वराला आणि महादेवाला मी नमस्कार करून साष्टांग आपल्याकडून कुठं मी तुम्हाला एकच परमेश्वराजवळ कधी कुठं जरी झाला असेल काही विषय निघाला असेल पण एकच म्हणतो ह्या माणसाला एवढी आयुष्य दे की डाळिंबावरचा तेल्या निघेपर्यंत हा माणूस पाहिजे करू शकतो. हा माणूस वरती एवढं रिसर्च एवढं रिसर्च केलेलं अहो सर हे पैशांचं कोण माणूस बोलत होता तो पैशांचं त्याला म्हणा मला शिकेल मी तुला सांगतो. 5-5, 7 हजार झाडं होते माझे 7 हजार पौधों को कितना खर्च लगता है ये इनको मालूम नहीं. 5-5 लाख रुपया 3 बार डाल दिया तीनों बार फेल गया बैक्टीरियल ब्लाइट से लड़ लड़ के थक गया. किताब पढ़ वो किताब पढ़ कहीं पे कुछ नहीं मिला. फिर आपने जो दिया उनको एक्सेप्ट करने में इनको कैसे करिए कि ट्रेनिंग का ट्रेनिंग मैंने किया है आपका ट्रेनिंग मैंने किया है. कोई बंदा कितना भी अनपढ़ रहे कैसा भी रहे अगर ट्रेनिंग करता है वो उसको किसी भी लेवल का आदमी हो कौन सी भी लेवल का हो अनपढ़ हो या टैलेंट हो कि वो सब भाषा समझने आ जाती ना आपने इतना इतने भाषा वो किचकट भाषा जी होती कि तुम्हें सोप्या पद्धति मानून के लिए मनन वाला जाने सर महाराज सर एवढं जग पुढे गेलेलं आहे कि रिसर्च सेंटर मध्ये काय घडतं हे कळकायच्या शेतकऱ्याला नाही सांगताय काय करतं काय नाही सांगताय पण तुम्ही कुठली एक एक गोष्ट इथं सांगतात जर ट्रेनिंग जेव्हा चालते तेव्हा काय सांगायचं जे मनात प्रश्न येतात प्रश्न माझ्या मनात प्रश्न आला होता एक तुम्हाला मी बोललो तिथं पण ट्रेनिंगच्या वेळेस पण प्रश्न उपस्थित केला होता आणि प्रश्न टायपिंग करेपर्यंत तिकडून मला त्याचा रिप्लाय आला हे कशामुळे कळलं तर तुमची जी सोपी पद्धत आहे मांडण्याची सगळ्या लोकांना तुमची आध्यात्मिक जी ती आहे शक्ती हे सगळं करू शकत आणि जे प्रश्न आहेत त्यांचे त्याच तिथंच उत्तर भेटत करायचं कामच येत नाही मला एवढ्या अडचणी आल्या एवढ्या अडचणी आल्या. मी तुमचा व्हिडिओ किती वेळेस पाहिला आणि गेलेच वेळेस पाहिला असेल 1 GB नेट मी त्याच्यातच संपून देतो परत परत व्हिडिओ पाहतो आणि एक एक वळ ही जमिनीत कशा पद्धतीने आपल्याला अंमलात आणता येईल तेच पाहिलं आणि मला तुला साहेब मी सक्षम झालेलो आहे अजून तर काही नाही पण मी असं करून दाखवे त्या परिसरामध्ये आज रोजी एकही बाग नाही पण माझा बाग निघाला त्या वेळपासून सगळीकडे चर्चा चालू झाली की डाळिंब आहे आणि गोरख पण आहे ते टवाळ म्हणजे टवाळ म्हणजे टवाळी म्हणत त्यांना आपण की असतात ते त्यांनी पण म्हटलं तत्वज्ञानी ज्ञानी आत्मज्ञानी सगळ्या प्रकारचे असतात ते पण म्हणतात नाही अजून जिवंत आहे बरं का डाळिंबचं क्षेत्र जिवंत आहे सर फक्त एक बगीचा आहे अशा 2 वर्षात आपल्याकडे सगळं डाळिंबाचं नंतरवन विषय जे मी कम्प्लिटली सांगतो आणि जेवढे शेतकरी आपल्या एरियामधून जेवढे डाळिंबातून पैसे काढतील त्यांना मी फक्त एकच सांगतो तुम्ही उत्पन्न काढा उत्पन्न जास्त होणार नाही आणि आता ट्रेनिंग चालू आहे ना आपलं हेच ट्रेनिंग शेतकऱ्यांना संघटित करेल आणि संघटित केल्यानंतर जर आपला माल एक्सेप्ट झाला आणि आपल्या मालाला जर क्वालिटी आली तर ती भर पाठवण्याचं हेच माध्यम करेल हे मी एकदम कन्फर्म सांगतो की आपल्या डाळिंबाला जर जास्त मागणी किंवा जास्त एक्सपोर्ट करायचा असेल तर तुमच्यासारखा कुणीतरी मला तुम्हाला एवढं सांगा एक विनंती करायची आहे की हे जर ट्रेनिंग झालं तर एवढा माल आपल्या मध्ये एवढी क्वालिटी जमा होईल आपल्या देशाची ही क्वालिटीला तुम्ही एक्सपोर्ट करायचं त्याच्यावर तुम्ही रिसर्च चालू करायला आपल्याकडून माझ्याकडून आमच्या शेतकऱ्यांकडून सगळ्यांकडून तुम्हाला विनंती करतो. खूप बोलता येईल पण मी ट्रेनिंग मध्ये भाग घेतलेला आहे आणि दर वर्षाला ट्रेनिंग अपडेट नॉर्थलेस करायचं हे मी अगोदरच ठरवलं होतं कारण एक मुद्दा नवीन येतो आत्मसात आता हा बघायचा झालं त्याच्यानंतर आता सोलापूरला येतोय सोलापूरला
अजून आपल्याला काही पाहिजे, पण हे सगळं तुमच्या माध्यमातून तुमच्या सोप्या बोली भाषेतून आणि तुमच्या अनुभवातून सगळ्या शेतकऱ्यांना माहिती पडावं, याच्यासाठी मी दुसरं काहीच मागत नाही, फक्त तुम्हाला आमचंही आयुष्य लाभू एवढंच मागतो. थँक्यू 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 गौरव भाऊ, थँक्यू सो मच. सब लोग बोल रहे हैं कि हिंदी में थोड़ा सा बताइए, गौरव ने मराठी में बात किया. दोस्तों शायद आज मैं 100 करोड़ की प्रॉपर्टी भी अगर दूसरे कोई बिजनेस से कमाता था तो ये वर्ड्स नहीं आते थे. आप भी बहुत इमोशनल हुए थे और मैं भी बहुत, सबने लिखा हुआ है पे. जो फैमिली कैसे उद्वस्त होती है ये गौरव भोग के बारे में 2003 से मैंने जाना है. जब उनके गार्डन में पहले हार्वेस्ट में जबरदस्त 2003 में जबरदस्त माल निकला था और उनका गार्डन इतने बिल्कुल एक डैम था और डैम के बिल्कुल बाजू में था. अब तब मैं अनार के अंदर जस्ट थोड़ा बहुत आगे सीख रहा था. मेरे घर पर मैंने तब तक प्लांटेशन भी नहीं किया था. ये सब लोग सुने, कोई भी जाएगा नहीं. बहुत ही मतलब मेरे लाइफ में कैसे चेंज आते हैं ये मैंने बोल दिया. जो भी बीएस एग्रीकल्चर एमएस एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स होंगे या जिनको बिजनेस क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे. और ऐसी फैमिली थी कि यही एक गौरव बहुत है कि कुछ तो भी करना है. पिताजी या ब्रदर सिर्फ काम करने वाले और बैक टू बैक खेत में आ गया. उनके भी एरिया में सब गार्डन जाना चालू हो गया. सबसे पहले देवड़ा में आया था, फिर पाटना देवाल वगैरह ये एरिया में सबसे ज्यादा आ गया. इनके गार्डन में भी आ गया और फिर इतना ज्यादा आ गया कि मैंने बोला कि नहीं रखना है, उखाड़ दीजिए. उसके बाद उन्होंने 12 साल तक वेट किया, अनार की खेती करना, अनार की खेती करना है. और फिर वापस मेरे से जुड़े कि अभी मुझे वापस अनार की खेती करना है. मैंने बोला कि इनके पास से प्लांटिंग मटेरियल आप ले लीजिए और करिए, स्टार्ट करिए. सिर्फ यहाँ तक मैंने लाके छोड़ दिया और उनका जो पुराना एक्सपीरियंस था वो उन्होंने कर लिया. लेकिन दो बार उसके बाद भी वो फेल हो गए और उन्होंने जो वर्ड इस्तेमाल किया इसके लिए मैं काम करता हूं. पैसे की चीज तो बहुत दूर है, जो कि मैं सुसाइड करने जा रहा था लेकिन मुझे ट्रेनिंग मिला और ट्रेनिंग के बाद मैंने 28 टन माल हार्वेस्ट कर लिया. दोस्तों ये ट्रेनिंग सिर्फ आपको पैसे नहीं देता है, मैं यहां तक बोलता हूं कि लाइफ भी देता है. कितने लोग हैं ऐसे. और गौरव को और एक चीज पता होगी, एक कंपनी में मैं काम करता था, फार्मर के प्रति कैसे काम करना है. हम कड़वाड़ी करके गांव था, वहीं पे गए थे. एक फार्मर ने एक प्रोडक्ट का फोटो और मेरा फोटो घर में जहां पूजा होती है वहीं पे लगाया था और अंदर जाके दिखाया कि इनकी वजह से मेरी बेटी का मैं शादी कर चुका हूं, कर पाया. मेरे पास कुछ नहीं था, इसकी वजह से ये आया और इन्होंने ये बताया, मेरे कपास में इतना यील्ड आया और मेरे बेटी का मैंने शादी किया. ये ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस मेरे मुंह से नहीं बताना, लेकिन गौरव भाऊ ने अभी थोड़ा सा इमोशनल मुझे कर दिया. देखिए दूसरों को लिए अपने भी लाइफ से कुछ अगर जाए, ये कब बोलता है आदमी, जब कुछ तो भी मिलता है और मुझे वो मिल चुका है. ऑलरेडी मेरा एक्सीडेंट का स्टोरी तो आपको पता ही है. लेकिन दोस्तों एक ही जिनको भी बिजनेस करना है और फार्मर कम्युनिटी के साथ में करना है, फार्मर कम्युनिटी के साथ जो सबको खिला रहा है. आज अपना इतना वर्स्ट कंडीशन में हम जा चुके हैं, खाने के लिए अच्छा फूड नहीं है, पीने के लिए अच्छा पानी नहीं है, लेने के लिए अच्छा हवा नहीं है. और हम जो 100 kg का बोरी उठाते थे आज 50 kg का बोरी भी कोई नहीं उठा पा रहे. इतने 25-30 साल में हमने इतना खराब कर दिया. यही अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो मैं बोलता हूं आपको 100% 50 साल के बाद इस प्लैनेट के ऊपर जहां पे इतना अत्याचार हो रहा है ये आपके लिए अच्छी जगह नहीं रहेगी. सिर्फ नॉलेज नहीं, उसके साथ में मोटिवेशन भी फार्मर का बहुत होना जरूरी है. उसकी सोच जो है एग्रीकल्चर के प्रति वो बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, YouTube के ऊपर, लाइव प्रोग्राम्स में मेरे बारे में कौन क्या लिखता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है. क्योंकि ये भी कोई अगर है जिसको फैमिली
उद्वस्त हो रही थी और वो अगर वापस बोलता है कि इसकी वजह से हुआ, मेरे लिए एक किसान भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मेरे लिए लाइफ में वो चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर हर एक किसान के साथ में काम करने वाला हर एक बिजनेसमैन अगर सोचेगा तो ही इंडिया में आगे जाके कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, अदरवाइज अदरवाइज ये तो कोरोना तो छोटा सा वायरस है, ऐसे पेंडेमिक इतने आएंगे और जो भी वीक है उनको लेके जाएगा, क्योंकि नेचर को ग्रोथ चाहिए और हम ग्रोथ नहीं कर रहे। 100 केजी का बोरी छोड़ के 50 केजी का बोरी बना रहे हो, आप ग्रोथ नहीं कर रहे, आप आपका डिटोरिएशन चालू कर लिया है, ये नेचर को पसंद नहीं है। और नेचर बोलेगा आपको भाई आपकी हेल्प जरूरत नहीं है। चलिए अध्यात्म इसे कहते हैं, अध्यात्म इसे कहते हैं, नेचर के साथ में रहिए, अपने साथ में रहिए, अपने अंदर क्या होता है फील करिए। इसलिए मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं एक बार सिर्फ श्री श्री रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स तो हैप्पीनेस कोर्स तो भी करिए आप, 6 दिन दीजिए आपको, 3-3 घंटे 6 दिन दे दीजिए, आपके आजू बाजू में होते होंगे या अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, ऑनलाइन चल रहे जो भी अपने मेंबर्स है, जो जहां पे भी कोर्स चालू हुआ है आप लिंक डालते रहिए, उसके लिए मेरा ग्रुप कभी भी आपको ना नहीं बोलेगा, डालिए, क्योंकि उस वहां से जो मिलता है ये जो स्टेबिलिटी देता है, 5-5 घंटे आपके सामने कैमरे के साथ उसके अंदर देख के बात करना, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी बताते हैं कि वो कुछ नहीं होता। और वो जो लोग हैं जो निगेटिव बोलते हैं उसके बारे में, सोच मत, तेरे को बहुत आगे काम करना है, सिर्फ गुरुजी का एक ही सपना है कि भाई तू और इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर कब छोड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि गुरुजी रुकिए थोड़ा देर, इनको धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा और जाएंगे हम, जैसे कि कॉटन केक्स स्लरी के आज रिजल्ट मिल रहे, ऐसे और कुछ दे दूंगा जो भी अभी परसों यहाँ से मेरे शिवगांव से कुछ किसान आए थे, अपलू से कुछ किसान आए थे और उन्होंने जो भी आके देख लिया, बहुत आगे आएगा आपको, बहुत मिलेगा। तो यस मधुबाऊ और हम भी बहुत काम किया हुआ है, मधुबाऊ का भी इतना बड़ा गार्डन था, फैक्ट्री को एयरलाइन की वजह से गया था। ओके तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक ट्रेनिंग नहीं किया है उनके लिए लिंक आया हुआ है, आप अभी पेमेंट करवा दीजिए, 18 तारीख को चालू हो रहा है, 27 तारीख को खत्म होगा। और जिनका भी फेसबुक के ऊपर आप देख रहे हो या यूट्यूब के ऊपर देख रहे हो, आप आपके नंबर कमेंट में डालिए, मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। और अभी मैं पोल डाल रहा हूँ, जिनको भी ट्रेनिंग करना है वो लोग हाँ बोल दीजिए, मेरी टीम आपको पर्सनली भी लिंक भेजेगी। 999 रुपीज कहाँ पे भी नहीं जाता, ऐसा नहीं है, कितना भी खर्चा आप करते हो एक बार सिर्फ 50 घंटे दीजिए आप और फिर आप देख लीजिए, हर एक का एक्सपीरियंस बहुत ही जबरदस्त होता है। तो दोस्तों वेट मत करिए। और जिनका भी एक साल हुआ है, मैंने हर साल आपको ट्रेनिंग करना ये बोल दिया है, जिन्होंने भी लास्ट मई में जून में किया था उन्होंने वापस आना है, बहुत बदलाव ट्रेनिंग में आ चुका है और आपको मिलेगा। 50 घंटे वापस बैठिए, एक जोश वापस आएगा और अच्छी हम खेती करेंगे। तो सबके लिए मैंने डाल दिया है, पोल भी है और लिंक भी है ग्रुप के अंदर, आप ले लीजिए। तब तक मैं आपके कुछ प्रश्न ले लेता हूँ। सुनील धड़गड़े जी, आपको ये पे नहीं, मैंने जो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनको नंबर डालने को बोल दिया है। और लिंक आई हुई है, जिनको भी पेमेंट करना है वो कर दीजिए, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं पेमेंट वापस कर दूंगा आपका, नहीं चाहिए मुझे ऐसे जो आपको बेनिफिट नहीं देगा, ऐसा नहीं। पोटेशियम या अमोनियम मोनेटेड दोनों में से एक लेना है आपको, दोनों में से एक लेना है। सागर जी, पकड़ी कर पागर दिशो तो जमीन काळजी घ्या, रूट डेवलपमेंट अच्छी करना है आपको और फिर स्कोर कवर चाहिए या नेटिव इसका स्प्रे आपको लेना है। यस कृष्णा डोके जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप इस्तेमाल कर सकते हो, जब आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है डिजीज और उसको इनोकुलम गार्डन का कम करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो 2.5 ml/L, ठीक है।
नहीं नीलेश जी, किल का और उसका कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं नीलेश जी, सबको बर्ड बिल्डर के अंदर आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है, अकेला लेना है। जोराराम जी, हिंदी की बैच जुलाई में रहेगी, अगर वापस आपको करना है तो अभी आप पेमेंट कर सकते हो, जुलाई का डेट आने के बाद उस बैच में आपको लिया जाएगा। जून का मराठी में है और जुलाई का हिंदी में है। नीले जी ले सकते हो आप। लिंक के नीचे मेरे कुछ टीम मेंबर्स के फोन नंबर भी है, आप उनको भी कॉल कर सकते हो। अभी मत करिए, अभी घर पे गए हैं सब, कल आप कर सकते हो। मनोज झिंगे जी बोल रहे हैं कि माजा मुने, मेरे नहीं, जिस साइंटिस्ट ने काम किया है, जो मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है, उनकी वजह से बोली आप, उनकी वजह से आपको ये रिजल्ट मिल रहे हैं कि 4 महीने में उनका साइज 300 ग्राम हो चुका है और अभी 2-2.5 महीने उनका जाना बाकी है। बहुत ही जबरदस्त डिजीज कंट्रोल करना है। किसी के भी, मेरे साथ में जो भी काम करेगा उसके खेत में डिजीज नहीं आना चाहिए। इस बार लोगों को दिखाना है कि यस हम कुछ तो भी कॉन्क्रीट, सिर्फ बोलते नहीं करके भी दिखाते हैं। ये सबको मेरे साथ में रह के सीखना पड़ेगा और लोगों को रिजल्ट देना पड़ेगा। पटेल साहब नमस्ते जी। महबूब जी आपने क्या लिखा? ओके, कोरोटोट्रिकम के लिए आपको अभी स्प्रे करना है। अभी अगर आपका हार्वेस्टिंग का स्टेज है, लाल कलर आपने लिखा हुआ है, तो आपको एक तो रूट डेवलपमेंट अच्छा रखना है और आप कर्जेट ले सकते हो, एक्रोबैट प्लस कोसाइन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो जो मैंने आपको शेड्यूल में दिया है, या फिर आप इन्फिनिटो जो बायर कंपनी का वो ले सकते हो, या फिर अदामा कंपनी का कस्टोडिया है वो भी आप ले सकते हो। ठीक है, धनंजय भोसले जी कैल्शियम प्लस बोरॉन का आप स्प्रे ले लीजिए। ऑर्गेनिक कल्चर कभी भी डालिए आप चिंता मत करिए। नहीं नहीं आशुक जी, जरूरत नहीं है, क्यों 80% वाला वो नहीं छोड़ना है। जयसराम जी, माइक्रो मिक्स आपके राजस्थान में ये रेडीमेड नहीं मिलता है। गुरुवार के दिन शाम को 7:30 बजे मैं इसके ऊपर वेबिनार लूंगा, मार्केट में सब मिलेगा, सब लाके आपके घर पे आपको तैयार करना है, जैसे ऑर्गेनिक कल्चर मैंने बोला है वैसे। नहीं 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 श्याम जी, स्कोर कवच से कुछ भी फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं आती है, नहीं आती है। कोई भी पानी अगर आपका रहेगा तो भी नहीं आती, मैंने सब पानी में उसको इस्तेमाल किया है। अरविंद जी, अगर कवरेज नहीं होता है तो आपको निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा। हेमंत आहिर जी, आपको निकालना पड़ेगा, जो भी फीमेल फ्लावर आती है तो निकालना ही पड़ेगा। शुभम हांडे जी, संगमनेर में जाइए, MIDC में विजय एग्रो करके कंपनी है, वो कंपनी से ले लीजिए।
ठीक है, आपके नजदीक वाला वही इस्तेमाल मैं करता हूँ, अर्गो स्ट्रॉन्ग जो आता है वो, गारगांव से ज्यादा दूर नहीं है। माइक्रोमिक्स जीवन मारतात का महेश जी, देखिए जो भी अगर मारेगा उनको तो वो रिकमेंड बीटी गोरे नहीं करेगा, बीटी गोरे नहीं करेगा। गलत तरीके से इस्तेमाल कर मत करिए, सिर्फ उसको मत सुनिए जो एप्लीकेशन के बारे में भी मैंने बोला है, वो सब कुछ आपको सुनना पड़ेगा। सेटिंग के टाइम टेस्टिंग नहीं चलेगा जी चंद्रकांत जी, अशोक जी मुझे फोटो डालिए, नहीं दिखना चाहिए। ज्ञानेश्वर जी अभी कॉन्सेंट्रेट करिए क्वालिटी के ऊपर, रेट किधर भी नहीं जाने वाले, रेट अच्छे ही रहने वाले। जैसे हम जी आपको आधे आइटम मिल रहे हैं आधे नहीं मिल रहे तो ठीक है ना, मैंने आपको जयराज जी का नंबर दिया है, जयराज जी आपको मदद करेंगे, ग्रुप के अंदर जयराज जी है उनको आप लिखिए। कैप्टन आप स्प्रे कर सकते हो जगन्नाथ जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुरुआत किया था सुरेंद्र जी ने, सुरेश ने, और एंड कर रहे जगन्नाथ जी। आशीष जी थैंक यू, सबके लिए लिखिए, आपने पैनलिस्ट को लिखा। सिद्धेश विधाते जी आपने क्या लिखा मुझे पता नहीं, आपका प्रश्न आगे निकल गया होगा, मैंने नहीं देखा। डस्टिंग के लिए अभी तक टाइम नहीं हुआ है, जब बारिश ज्यादा आएगी तब करेंगे अपन। चलिए तो फेसबुक के ऊपर आप हो, यूट्यूब के ऊपर अगर आप हो तो आपका नंबर आप डालिए चैट बॉक्स में, तो मेरी टीम आपको कॉल करेगी और टीम मदद करेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप जूम पे हो तो पोल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, आप हाँ बोल दीजिए, मेरी टीम कांटेक्ट करेगी। और अभी भी चैट बॉक्स में लिंक है, तुरंत पेमेंट करवा दीजिए और आपका सीट रिजर्व करिए। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 8 मिनट मैंने ज्यादा लिया लेकिन ठीक है, गौरव ने थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल किया था, लेकिन जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, यही लेके काम कर रहे हैं मैं और मेरी पूरी टीम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।